अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेफाजी, आपकी ये झिझक वाली हंसी हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। सब ठीक तो है? हमारा बच्चा सुरक्षित है ना? हाँ राघव, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। बच्चा एकदम अपने पापा पे गया है, हृष्ट पृष्ट और एकदम तंदुरुस्त। तुम चिंता मत करो। आप क्या सोच रही हैं रेवा जी? हम देख रहे हैं कि जब से आप आई आपके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। बताइए ना, वो राघव, हम ना बहुत बहुत थक गए तो बस सोना चाहते हैं। बस इतनी सी बात? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको सोना भी देंगे और चांदी भी देंगे और ये बिस्तर के साथ साथ तकिया भी देंगे। एक सेकेंड। हम करते हैं। आइए बैठिए। ये पानी हम आपके पास रख देते हैं, आपको जब भी जरूरत पड़े आप पी लें। रेवा जी इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? कहीं इन्हें बाबूजी के काम के बारे में तो नहीं पता लग गया? रेवा जी, आपके मन में कोई बात है तो हमें साफ साफ बता दो। क्या पता आपका मन हल्का हो जाए और उस चीज का हल मिल जाए। रोती दीदी, हम तुम्हें कैसे बताएं राघव कि आज हमारा अतीत एक बार फिर हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। अच्छा, ठीक है, आप ज्यादा मत सोचो। आपका ज्यादा सोचना हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। चलिए आप आराम कर लीजिए। आई अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। रेवा, तूने 2 दिन में दूसरी बार मेरी जान बचाई है। Promised you, right? कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। You're my sister. रेवा, हम सबके साथ चलेगी, हमारे घर में रहेगी।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जबलग घट में प्राण। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धर्म दया की भावना से ही उत्पन्न होता है और अभिमान, अभिमान केवल पाप को जन्म देता है। इसीलिए इंसान के शरीर में जब तक प्राण है ना, उसे तब तक दया भाव नहीं छोड़ने चाहिए। वैसे छोटी दादी, बात तो एकदम सही है, क्योंकि अगर हमें दुनिया में अच्छाई को जिंदा रखना है तो उसके लिए दया को भी जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि दया सिर्फ इंसान को दानव बनने से नहीं रोकती है, बल्कि ये दया दुआएं भी बहुत दिलाती है। इसलिए छोटी दादी, हमें लगता है कि हर इंसान को दया करनी चाहिए, है ना? लेकिन बिटिया, कभी कभी ये दया आपके लिए दुर्दशा भी बन जाती है। जब आप गलत लोगों के साथ दया करते हो ना, तो वही उल्टा आप ही के पीठ पीछे वार कर देते हैं। लेकिन छोटी दादी, जरूरी तो नहीं ना कि हर इंसान फितरत से बुरा हो, कभी कभी उस इंसान के हालात उसे बुरा बना देते। और जिस तरह लोहे को लोहा काटता है ना, उसी तरह बुराई को भी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई काटती है। और अच्छाई करने के लिए बुरे लोगों के साथ भी दया दिखानी बहुत जरूरी है। ये बहरिया, भले तुम्हारा कद 5 फुट का हो, लेकिन आज तुम्हारी ये बात ने ना हमरे नजर में तुम्हारे कद को आसमान तक पहुंचा दिया है। राघव भैया, चाय। परमिशन हो तो हम अंदर आ जाए। अब देखिए मिलके भी हम ना मिले दंगल प्ले पर टीवी से पहले।